अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CHSPMS टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग। आज हमारी 2023 करंट अफेयर्स की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल डिस्कस व्हाई पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी ए बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट बनेगा वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। कंस्ट्रेंट विच इज़ वन ऑफ द कोर कॉज ऑफ कीप द फॉरेन core cause to keep the foreign exchange reserve under pressure. Do you think हमारे जो second है वो core causes कौन सी हैं, वो हमारा key point होगा। अब next, do you think that Pakistan exports performance remains the most relevant long term challenge to alleviate the balance of payment constraint for sustained economic growth and explain the radical structure reforms to improve the export performance। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा तो लग रहा है लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। क्रिटिकल डिस्कस व्हाई पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी ए बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू कर रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। कंस्ट्रेंट व्हिच इज़ वन ऑफ द कोर कॉज, वो वन ऑफ कोर कॉज कैसे हैं और जो कोर कॉज भी किसके लिए, कीप द फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो प्रेशर में कैसे हैं। अब सवाल किया जा रहा है कि अगर आप सोचें कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रिमेंस द मोस्ट रेलिवेंट लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की जो उसकी एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उसकी क्या, उसके क्या चैलेंजेस हैं टू एलिवेट द बैलेंस, उसको एलिवेट किया जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट को, कॉन्स्टेंट सस्टेन उसको, ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेन किया जाए। और इसको एक्सप्लेन करना है कि रेडिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा पाकिस्तान का, रिफॉर्म्स इम्प्रूव एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई सॉल्यूशन की तरफ, पाकिस्तान इकोनॉमिक हैज़ बीन फेसिंग अ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट व्हिच हैज़ पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रेशर होता है अगर सही ना हो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्रीज़ की, तो वो प्रेशर होता है ऑन द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी उसका प्रेशर होता है एंड हैज़ लिमिटेड इट्स एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स करने में, इम्पोर्ट करने में इनको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं है तो इम्पोर्ट करने में किसी भी कंट्री को बहुत प्रॉब्लम होती है। The balance of payment constraint is primarily caused by ये कैसे cause होती है, combination of factors जैसे a large trade deficit, जो किसी भी country की जो trade है वो deficit में जाती हो, और limited foreign direct investment, वो भी limited हो foreign direct investment, और reliance on short term borrowing to finance the deficit। तो जो जो भी कर्ज लेते हैं वो शॉर्ट टर्म पे ही होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। वन ऑफ़ द कोर कॉज, अब कॉजेस की तरफ आते हैं। वन ऑफ़ द कोर रीज़न और कोर कॉज फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट इज़ पाकिस्तान लिमिटेड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड है, उसकी ये भी एक रीज़न है विच हैज़ बीन अ प्रेसिडेंट चैलेंज फॉर दी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज है। डिस्पाइट द कंट्रीज रिच नेचुरल रिसोर्स एंड अ लार्ज पूल ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं फिर भी ये जो हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं वो कम हो जाते, रिच तो है लेकिन लेबर्स की ज़्यादा मकदार होने की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कभी कभार इशू हो जाता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट हैव remained low and have not kept pace with the growth of its imports. Imports बढ़ानी चाहिए, imports की growth की वजह से भी ये होता है। This has resulted in a persistent trade deficit. Trade जो है वो deficit में जाता है which has put pressure on balance of payment. ये चीज़ें जो होती हैं वो balance of payment पे pressure डालती हैं। To address this challenge, को कैसे address किया जा सकता है और alleviate किया जा सकता है balance of payment के constraint को, पाकिस्तान must undertake radical structure reforms. Radical structure reforms कैसे इसको करने चाहिए देखते हैं। To improve its exports performance को improve करना चाहिए। This requires a multiple faceted approach.
एक्सपोर्ट्स को जैसे ही इंक्रीज़ किया जाएगा तो ये मल्टीपल फेस्टेड अप्रोच हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, दैट एड्रेसेस बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड कंसर्न. जो उसकी डिमांड और सप्लाई होगी वो बढ़ती जाएगी. ऑन द डिमांड साइड द कंट्री मस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड इट्स कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग डूइंग बिजनेस. तो इस ये चीज़ बिजनेस को करने के लिए बढ़ाएगी. इम्प्रूविंग द बिजनेस क्लाइमेट, ये बिजनेस क्लाइमेट को भी बढ़ाएगी. एंड प्रोमोटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड की लिबरलाइजेशन को भी बढ़ाएगी. ऑन द सप्लाई साइड, जो सप्लाई चेन होती है, द कंट्रीज मस्ट फोकस ऑन कंट्री को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट इट्स ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज जो साइड होती है वो उसको पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है. स्ट्रेंथनिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का, उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए. एंड प्रोमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. कंट्री जो आजकल की ग्लोब है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो इसको टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए. अब इसमें ऐड करते हैं, इन एडिशन द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग इट्स एक्सपोर्ट बेस, एक्सपेंडिंग इन न्यू मार्केट्स में इसको एक्सपेंड करना चाहिए. और एक्सपोर्ट्स जो बेस चीज़ें हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए. एंड प्रोमोट एक्सपोर्ट्स इन हाई वैल्यू एडेड सेक्टर्स, एक्सपोर्ट्स को हाई वैल्यूज जैसे आईटी सर्विसेज बढ़ानी चाहिए, फार्माक्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स भी इंक्रीज करने चाहिए. फर्दरमोर द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस. जो लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस हैं उसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए. जैसे कि पाकिस्तान फेस कर रहा है बाई एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इंक्लूडिंग लेक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस. जो लेक ऑफ एक्सेस फाइनेंस हैं, लिमिटेड एक्सेस ऑफ टू टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग एंड द एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव एक्सपोर्ट्स प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी. तो गवर्नमेंट को न्यू स्ट्रेटजीज बढ़ानी चाहिए. और जो जो भी प्रॉब्लम्स हम एक्सपोर्ट्स में आ रही हैं, जैसे फाइनेंस की है, लेक ऑफ फाइनेंस की, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग की है, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन स्ट्रेटजी की, ये कम करनी चाहिए. At the end, in the last but not the least, in conclusion, Pakistan's versatile and balance of payments constraint is largely due to its limited exports performance. At the end, जो आता है इसका पूरा निचोड़ वो ये है कि लिमिटेड एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की, बहुत लिमिटेड है एक्सपोर्ट्स, तो इसको इंक्रीज करना है. विच हैज़ बीन अ परसिस्टेंट चैलेंजेस फॉर दी कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये जो है कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करती है, उसके लिए चैलेंज है. और चैलेंजेस को एलिविएट करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की, द कंट्री मस्ट अंडरटेक रेडिकल लेना चाहिए. वो कैसे स्ट्रक्चर होगा रेडिकल, इम्प्रूव इट्स एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस पे फोकसिंग, डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड पे भी, और डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट बेस को, एक्सपेंड इट्स इनटू न्यू मार्केट्स में एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही न्यू चीज़ें आती हैं मार्केट्स में, तभी उनकी डिमांड बढ़ती है. दैट्स ऑल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं. थैंक यू.